नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है और वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे पहले देखो, कोई भी टॉपिक पढ़े उससे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस बारे में है ये टॉपिक। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का जो मतलब होता है वो होता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती है। अब सबसे पहले बात आती है कि प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या चीज है, कि प्राइम नंबर है होता क्या है। तो देखिए, प्राइम नंबर पढ़ने से पहले हमें एक चीज के बारे में पढ़ना होगा, नेचुरल नंबर के बारे में। प्राइम नंबर पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक किया नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर, और ये कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट, आगे खत्म नहीं होते, क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। क्या चीज होती है, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, काउंटिंग नंबर्स होता है। अब नेचुरल नंबर में से हम दो कैटेगरी है वो अलग अलग कर देते हैं, एक तो इवन और एक ओड। हम दो कैटेगरी यहां से बना लेते हैं, पहले इवन और एक क्या बना लेते हैं, ओड। इवन मतलब सम संख्या, ओड मतलब विषम संख्या। इवन क्या होती है, सबसे पहले इवन संख्याएं वो होती है, यानी इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, डिवाइड बाय टू। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, या हम ये कह सकते हैं जिन डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आ जाए वो हमारी इवन हो जाए। और जिन क्लास में इनके अलावा कोई नंबर आ जाए, भाई 1 आ जाए, 3, 5, 7, 9 कोई भी डिजिट आ जाए लास्ट में, वो क्या होंगे, हमारी ओड नंबर हो जाएगी। तीन चीज हमने क्लियर की, नेचुरल नंबर क्या होते पता लग गया, काउंटिंग नंबर क्या होते पता लग गया, इवन ओड क्या होते ये हमें पता लग गया। अब आते हैं हमारे पास, यहां से दो नंबर और डिसाइड होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या नंबर होते हैं, एक को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन और खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो एक से और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यानी हम इसके दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और एक खुद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, चाहे वो एक हो या दो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। जो वन और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से भाग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये हमारी यहां तक की बेसिक चीजें थी। अब हमारा टॉपिक था प्राइम नंबर का, तो भाई प्राइम नंबर के बारे में कुछ अच्छी चीजें जान लेते हैं, प्राइम नंबर कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर निकालने से पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूले, एक छोटी सी चीज है वो बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो उसमें आपको ये नहीं, कोई ये स्पेसिफिक ये नहीं रहेगा कि बताओ इसमें 1000 तक कितने प्राइम नंबर की कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। उसमें सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर होते हैं कितने होते हैं, कहाँ तक कितने होते हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आगे करते हैं, एक फॉर्मूला है 44
44 इसका हाफ कर दो 22, 32 लिखिए, 32 का उल्टा लिखिए 23, 21, 44, 44 का हाफ लिखा 22, 32, 32 का उल्टा 23, 21। ये याद रखना है। अब आप कहेंगे कि 10 डिजिट का ये नंबर जो है 2, 4, 6, 8, 10, 10 डिजिट का ये जो फोन नंबर चले गए इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है। हमने कोई कहेगा 1 से 10 तक, 1 to 10 कितने होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, तो देखिए सबसे पहले 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कोई कहेगा 10 से 20, 10 से 20 मतलब 11 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 10 काउंट नहीं होगा, और वैसे भी 10 जो जीरो वाले नंबर है ये प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते नहीं है। 10 से 20 4 ही होगी, ठीक है। 20 से 30, 20 से 30 कितने होंगे, 2 होंगे। अब 30 से 40, 30 से 40 कितने होंगे, 2 होंगे। 40 से 50 कितने होंगे, 3 होंगे। 50 से 60, 50 से 60 कितने हुए, 2। 60 से 70 कितने हुए, भाई ये हो गया हमारा, ये कितने हो गए, 2। 70 से 80 कितने हुए, 3। 80 से 90, 80 to 90, 2। 90 to 100, 1। ये 1 हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 4, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 25, तो कितने हो गए भाई, 25 हो गए, यानी कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे पास, 25 होते हैं, ठीक है। निकालेंगे कैसे वो अलग बात है, पहले हमने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि जनरल नॉलेज का, कभी भी आपसे कोई किसी एग्जाम्स उसमें पूछा जाता है कई बार कि भाई 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो निकाल के देखोगे, वो निकालने का तरीका समझाएंगे अभी कैसे निकाल रहे, तो आसानी से कैसे निकाल सकते हो। और बाकी 1 से 100 तक हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 40 to 50, 40 to 90, 40 और 90 के बीच, 40 और 90 के बीच, यानी 40 से ऊपर, 40 से ऊपर यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितने हो गए, 12 हो गए, ऐसे निकालना है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई 10 से लेके और 50 तक बताइए कितने होंगे, तो देखिए 10 यहाँ से शुरू हो गया, आपका 10 मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब 10 एग्जैक्ट स्टार्टिंग यहाँ से, 4, 4 और 2 6, 6 और 3, 6 और 2 8, 8 और 3 11, कितने हो जाएंगे, 11, ऐसे हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब अगली चीज आती है हमारे पास, मैं कुछ एक बेसिक चीज आपको इससे पहले और बता देता हूँ इसमें, कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और किसी की टेबल में नहीं आता। अब कहीं आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि 1 क्या है, 1 है वो 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है, 1 एक यूनिक नंबर है, 1 कैसा नंबर है, यूनिक नंबर है, और सबसे छोटा हमारे पास कौन सा होगा, 2 होगा। 2 को ही हम एक नाम और देते हैं, क्या देते हैं, ये नंबर कैसा है, इवन है, तो पूरी काउंटिंग के अंदर ये कैसा नंबर है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर होता है, ये कैसा नंबर होता है भाई, इवन प्राइम नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास आते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एक चीज आई, ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। अब देखिए ट्विन जुड़वा होता है, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा होता है, ठीक है, प्राइम नंबर। देखो वो नंबर
देखो दो प्राइम नंबर जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल 3 और 5 ट्विन प्राइम हो गए, 3 और 5 के बीच में दो का डिफरेंस है। अब 7 9 मत कह देना क्योंकि 7 तो है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, ठीक है ऐसे 41 43 हो गया, और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई, ठीक है। तो ये वो नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है जिनके बीच में इतने का डिफरेंस होता है 2 का, वो प्राइम नंबर। लगातार दो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 11 2, 19 माइनस 17 2, 43 माइनस 41 2, डिफरेंस 2 का है, ठीक है। अब अगर आता है हमारे पास को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। दो नंबर जिनका HCF एक आता है, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होता है, या दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, फॉर एग्जांपल हमने लिया 4 5 4 और 5, 4 के फैक्टर होते हैं, 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 1 से होता है और 5 से होता है, होता है। अभी मैं कॉमन क्या है, सिर्फ दोनों में 1, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, इन दोनों में HCF कितना है 1, तो इसलिए दोनों नंबर कैसे हैं ये 4 और 5 कैसे हो गए हमारे पास को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो दो नंबर जिन पे जो HCF है या कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ कितना हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। बात चलो ये थी बेसिक चीजें चल रही थी हमारी होगी, एक चीज नई बचती है वो है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है तो आप उसके बारे में बता देते हैं, प्राइम ट्रिपलेट होता क्या है, क्योंकि ये भी काम आने वाला है आपके। प्राइम ट्रिपलेट देखो, प्राइम ट्रिपलेट 3 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस आता हो, पूरी काउंटिंग के अंदर 3 5 7 ये जो पेयर है ये प्राइम ट्रिपलेट है, इसके अलावा कोई नहीं। 5 माइनस 3 2 7 माइनस 5 2, तो हर जगह कितने कितने का डिफरेंस है 2 2 का डिफरेंस है, तो प्राइम ट्रिपलेट होता है वो कौन सा होता है 3 5 और 7। अब मैं आपको बताता हूँ 1 से 100 तक जो है प्राइम नंबर वो इजीली कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए हमने काउंटिंग लिख दी 1 से 100 तक, ठीक है। अब 1 से 100 तक फटाफट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1 है नहीं होता है काट दीजिए, ठीक है। 4 ऊपर वाली लाइन सिर्फ चेक करना, बाकी किसी नहीं करने जरूरत पड़ेगी, 4 नहीं होता काट दीजिए। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, लेकिन हमने काट है प्राइम नंबर। अब देखिए जरा इस लाइन को गौर से देखिए, 2 के अलावा सारे नंबर इवन हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, इस पूरी लाइन को काट दीजिए, काट दिया। अब इस लाइन के ऊपर आ जाइए, ये 3 की टेबल है, देखो 3 के फैक्टर है सारे सारे, 9 भी 15 भी 3 सब 3 से डिवाइड होते हैं नंबर, इनको काट दीजिए, काट दिया। अब इसके ऊपर आइए, सारे के सारे इवन है, काट दीजिए, काट दिए। अब इसके ऊपर आ जाओ, इनको गौर से देखो, ये भी सारे कैसे हैं इवन है, लाइन बची सिर्फ 2 आपके पास। अब मैं ज़्यादा वो नहीं करेंगे कुछ भी, 5 की टेबल आती होगी सबको, 5 10 15 20 25, इसको काटिए, 25 के बाद अब 30 35 कैंसिल, 40 45 कैंसिल, 50 55 कैंसिल। अब देखिए 60 कैंसिल, 65 कैंसिल, 70 कैंसिल, 75 कैंसिल, और उसके बाद 80 कैंसिल, 85 कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद
7 को नहीं काटता है, उसको रहने देना। 14, 21, 28, 35, 42 कैंसिल है, और फिर उसके बाद 49 हमारे पास 56 पहले से कैंसिल है, 63 भी कैंसिल है, 70 भी कैंसिल है, 77 इसको काट दीजिए, फिर 84 कैंसिल है, फिर की लाइन कटी हुई है पहले से अलग ही, 84 कैंसिल है, फिर 84 के बाद इसका 91 कैंसिल है, ये हो गए। अब जो नंबर बचेंगे वो सारे के सारे कैसे बचेंगे, प्राइम नंबर बचेंगे, काउंट करते हैं कितने बचे। देखिए इस लाइन के अंदर कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें कोई नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये पूरी लाइन कटी हुई, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 25 हो गए, यानी 25 हमारे पास कैसे नंबर आए, प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, जनरली कैसे आपको तकरोगे, 1 से 1000 तक अगर आपको ये कहा जाए ये नंबर प्राइम है या नहीं है चेक करके बताइए, तो आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, आप उस पर भी आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 85 है, बताओ प्राइम है नहीं है, 1000 तक आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 85, अब आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इससे फालतू कम नहीं होना चाहिए, इससे जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, वो इससे कम रह गया, तो हमें बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा कौन सा होगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो हमने नंबर कितना लिया 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 10 से छोटे हमारे पास पहले क्यों कौन प्राइम नंबर कौन सा होता है, देखिए 2 होता है, 3, 5, 7 ये हो गए 10 से छोटे प्राइम नंबर। अब इनसे जरा डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, 5 से डिवाइड होता है इसलिए कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर किसी फैक्टर से डिवाइड ना हो, जो छोटा नंबर आया ना उसमें अगर किसी से भी डिवाइड ना हो तो की बात है। मान लीजिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 89 कंडीशन यही रहेगी ना, 2 से डिवाइड होता ना 3 से होता ना 5 से ना 7 से, कैसा हो गया हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब मान लीजिए 145 की बात करूं मैं, तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 11 का 121, 12 का 144 छोटा हो गया, 13 का 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 13 से छोटे, 13 के बराबर या 13 से छोटे प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से हमारे पास, 13 से छोटे हो गए 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13 खुद डिवाइड करके देख लो 2 से नहीं हो रहा। अब 3 की कंडीशन ये होती है इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 + 4 9 + 1 10 नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे मोस्टली, जब भी अगर आपको पता करना हो तो उसका स्क्वायर करके देख लो, और जो छोटा है उससे जस्ट अगला नंबर ले लो आप उसका स्क्वायर, ठीक है, और उससे पहले जितने भी हमारे ये आते हैं प्राइम नंबर उनसे डिवाइड करके देख लो, अगर किसी से भी हो जाता है तो वो हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, डिवाइड नहीं होता तो कैसा नंबर है वो, प्राइम नंबर है। मतलब आपको 5 नंबर दे रहे हैं, आप ट्राई करना कि है नहीं है, 273 एक, 279 दो, 169 तीन, और 224 चार, और 592 592 1 है 2 नहीं 2 तो हो जाएगा ये 1 नंबर, ये बताइए, ये चेक करने हैं क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है, और आप नहीं है या है जो भी है इसके बारे में आप है नहीं है जैसे भी रिपोर्ट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और बाकी ये है कि देखिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर तरीका दोबारा देखिए, आपको बता दिया है कि जो भी चेक करना, मान लीजिए ये नंबर चेक करना है
तो इसका किसी नंबर है जैसे एक से लग जाया करो, और कोई नंबर है आप रनिंग में कुछ एक नंबर याद रखिए, जैसे भाई 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 फालतू हो गया, तो ऐसा नंबर लेंगे जो इससे पहले छोटा लेंगे, इससे थोड़ा छोटा, फिर हमें पता लग जाएगा ये छोटा, इससे अगला नंबर कौन सा होगा, उससे पहले जितने भी ओड नंबर जो हमारे प्राइम नंबर आते हैं ना उन सबको इकट्ठा कर लीजिए और उनसे डिवाइड करके देख लो इसको, अगर हो जाता है तो ये कंपोजिट है, नहीं तो ये कैसा है प्राइम है। और अगली वीडियो है वो हम जल्दी जाएंगे।